गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम आप लोगों ने सिक्स पार्ट देखा होगा आपने, उस पर हमने त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों से रिलेटेड सूत्र फार्मूले डिस्कस किया था। देखिए अब उसके आगे के पार्ट में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर अभी तक आपने दोस्तों वो लास्ट सेशन, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज है ना दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा होगा, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो आप जरूर पहले उस पार्ट को देख लीजिए। क्योंकि अगर मैं ये जो पार्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इससे उससे ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें फार्मूले नहीं पता रहेगा तो आप आगे ये वाला क्वेश्चन, मतलब आगे ए वाले क्वेश्चन डिस्कस बना नहीं पाएंगे। दोस्तों देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx कितना होगा, dy/dx कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते दोस्तों, वही पहले तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने फार्मूला, मतलब प्रीवियस लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना दोस्तों। तो 2 tan थीटा साइन, देखिए यहाँ जो है यहाँ साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ कैसे भी करके साइन बनाना है। ओके, यहाँ साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ साइन बनाना है। तो साइन कब बनेगा, हमने लास्ट टाइम फार्मूला डिस्कस किए है, साइन टू थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर देखिए यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 10 थीटा, यदि एक्स बराबर 10 थीटा पुट कर देता हूँ, और यहाँ देखिए यदि x बराबर, अभी रहने दीजिए, यदि x बराबर 10 थीटा पुट करते हैं तो देखिए तो y बराबर साइन इनवर्स 2 x की जगह पुट कर दीजिए 10 थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह 10 थीटा और उसके ऊपर 2 की पावर है तो 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए अभी y बराबर साइन इनवर्स तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है दोस्तों साइन 2 थीटा। लास्ट टाइम मैं डिस्कस किया साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा आपके पास में क्या, 2 थीटा, है ना। ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। अब देखिए हमारा तो क्वेश्चन था एक्स के फॉर्म में, तो हम ये एक्स के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये 10 इधर जाके क्या बन जाएगा, 10 है तो उधर जाके इनवर्स बनेगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 10 इनवर्स एक्स, है ना। ये थीटा, ये 10 इधर जाके यहाँ 1 की पावर है ये समझिए, उधर जाके -1 की पावर बन जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 इनवर्स एक्स। अब एक्स, अब ये दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx, दो स्थिर राशि है दोस्तों, तो dy/dx 10 इनवर्स एक्स। तो देखिए दो, 10 इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना दोस्तों। देखिए अगर ये क्वेश्चन हम एक्स की जगह यहाँ 10 थीटा नहीं भी मानते, हमने लास्ट टाइम जैसे वैल्यू सेट किए थे, है ना, एक्स का काम कौन कर रहे हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उससे भी बन जाएगा। बट हमको चीज़ों को आसान करना है दोस्तों, जहाँ पे जब चीज़ें आसान हो सकती है तो वहाँ हम उस मेथड में नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ 1, 2 से 3 स्टेप में यही पे बन जा रहा है इसी से, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। ओके, जैसा आपका मैथ्स रहेगा वैसे हम अप्रोच लगाएंगे दोस्तों। ओके, देखिए अब आगे डिस्कस करते हैं
क्वेश्चन सेकेंड है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन बताना है दोस्तों। देखिए अभी देखिए, तो यहां x की जगह क्या पुट करेंगे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे देखिए, अब यहां x की जगह वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां बाहर भी x है, तो हम इस कंडीशन में हमेशा याद रखिए, x की जगह आप साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं या कॉस थीटा भी, x की जगह आप साइन थीटा भी पुट कर दीजिए या कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की जगह मैं पुट करता हूं x बराबर साइन थीटा, क्या पुट कर दे रहा हूं मैं, साइन थीटा पुट, तो यहां तो y इज इक्वल टू y बराबर साइन इनवर्स 2, x की जगह साइन थीटा आ जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और ये देखिए किसका फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बनेगा 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बनता है, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो आपके पास में यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, साइन इधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स x, ओके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है आपकी, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे आपका दो स्थिर राशि है, तो जैसे कहो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/(1 − x²), या 2 का गुना कर देंगे तो 2/(1 − x²) आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, ओके, आप लोग भी घर पे ज्यादा से ज्यादा इसे प्रैक्टिस कीजिए। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं यहीं पे राइट कर दे रहा हूँ, ओके। तो अब x की जगह देखिए, यहाँ मुझे 10 इनवर्स, यहाँ मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है कैसे भी, ठीक है। तो x अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 थीटा पुट करते हैं, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, वो 10 2 थीटा बन जाता है दोस्तों। यहाँ x की जगह यदि x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट करते हैं, ओके, तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ओके। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, 10 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 10 से 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा दोस्तों, तो ये आपके पास में बचेगा 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 10 इधर जाके 10 इनवर्स बन जाएगा, 10 इनवर्स x, ओके। अब देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना निकला, 10 इनवर्स x, यहाँ पे पहले ही वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू, यहाँ 10 इनवर्स x, अब इसका अवकलन कर रहे हैं, देखिए तो 2 जैसे का वैसा, और यहाँ पे पहले ऐसे राइट कर दीजिए डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स x, तो दो स्थिर राशि आपका 10 इनवर्स का अवकलन 1/(1 + x²), तो 2 × 1 + x², ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए दोस्तों लास्ट टाइम देखिए, अब आप सोचेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसे डिस्कस किया और लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने कहा था कि चीज़ों को हम ऐसे लेंगे, देखिए तो आप उससे भी बना सकते, बट हमको जैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना, जब जिससे जो क्वेश्चन जैसे आसान हो सकता है वो क्वेश्चन को वैसे ही आसान करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने मैंने कैसे डिस्कस किया था, मतलब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, dy बाई डी एक्स 10 इनवर्स
टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब मैंने बोला था यहाँ पे है ना, या x का काम कौन कर रहा है पूरा का पूरा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ राइट करता d बाई डी, एक्स की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू। अब d बाई डी ये टर्म कहाँ राइट करते, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ राइट कर देते। ओके अब इसका x के सापेक्ष अवकलन हो जाता है, तो टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, एक बटे वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का काम कौन कर रहा है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर 2 की पावर आ जाती है ना। फिर अब देखिए यहाँ तो दो स्थिर राशि है, दो स्थिर राशि है और ये अंश बटे हर बनेगा, तो वहां क्या लग जाता, हर का स्क्वायर, फिर हर स्थिर, अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश स्थिर, हर का अवकलन। तो चीजें देखिए देखिए दोस्तों, इससे भी हम आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके बट मैंने क्या कहा दोस्तों, हम लोग मैथ्स को जो मैथ्स बना रहे हैं है ना, तो उसको आसान कर, हमें उसको आसान करना है, तो जहाँ जहाँ जैसा क्वेश्चन रहेगा हम वहाँ वैसी अप्रोच लगाएंगे। ओके तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप लोगों की इसमें भी अच्छी कमांड ऐसी बन गई होगी है ना, तो मुझे तो इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, इससे भी बनाऊंगा तो उतना ही टाइम लगेगा, बट मुझे अभी आप लोगों के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि आपको चीजें आसान करवाना है दोस्तों। ओके अगर आप लोगों की भी वैसी हैबिट हो गई होगी उसी टाइप की सोचने की, तो आप उसको भी ऐसी जल्दी इजी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए y is equal to 10 inverse वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर है बटे x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है दोस्तों है ना। तो देखिए अब भी जस्ट में हम लोगों ने पढ़े 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर प्लस में आ जाए, देखिए अगर यह माइनस होता या तो साइन पुट करते या क्वास पुट करते। फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस होता तो साइन या कॉस पुट करते, लेकिन प्लस है, क्या है प्लस है, तो हम पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा या कॉट थीटा। ओके टेन थीटा या कॉट थीटा, तो अभी मैं पुट करता हूँ टेन थीटा, तो मैं यही से क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करता हूँ, तो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ टेन थीटा। ओके तो देखिए वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे पुट करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, या x की वैल्यू 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बन जाता दोस्तों माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ओके तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा 2 की घात से वर्गमूल कट जाता दोस्तों, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा इतना आ जाता। अब इसको बदल दीजिए, 10 इनवर्स sec थीटा माइनस 1, sec थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, sin थीटा सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, 1 किसका अपोजिट होता है कॉस थीटा का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसके बटे में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, 1 है आपका मेन, अपॉन ये वाला है दोस्तों। देखिए अब यहाँ देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरेक गुना कर दीजिए, एक एक का एक माइनर कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, अपॉन में क्या है आपके पास में साइन थीटा उस अपॉन कॉस थीटा, देखिए इसके अपॉन में कॉस थीटा इसके अपॉन, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास में बचेगा वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए इतना आ गया आपके पास में अभी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों को पता होगा है ना। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ 2 नहीं रहता है, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, 1 माइनस कॉस 2 कॉस थीटा हो जाए यहाँ पे, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस के फॉर्म में आएगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे यहाँ आपका देखिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो वहां क्या बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके और देखिए साइन
थीटा है नीचे, तो साइन टू थीटा क्या हुआ था फार्मूला अपना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ टू रहता है तो यहाँ ऐसे हो जाता है, अगर टू नहीं रहेगा साइन थीटा तो तब ये भी फार्मूला डिस्कस किए थे दोस्तों, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू ऐसे हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह क्या राइट कर सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा एक साइन थीटा बाई टू और नीचे बच जाएगा कॉस थीटा बाई टू। साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन है ना, क्या होता है टेन, तो टेन इनवर्स तो क्या बन जाएगा टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू थीटा बाई टू। तो देखिए आप यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाती है, ये टेन इधर जाके टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स एक्स बन जाता है। ओके तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स बटे में दो है आपके पास में, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक बटे दो स्थिर राशि इधर लिख दीजिए, ये टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए एक बटे दो, एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ कोई चीज नहीं गुना लगा दीजिए, एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो एक का एक बटे दो का इसमें गुना करेंगे तो दो को ब्रेकेट लगा दीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया है ना दोस्तों। देखिए लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने फार्मूले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने कि मतलब फोर्थ पार्ट में भी फार्मूले ये डिस्कस हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए फार्मूले की आप इम्पोर्टेंस समझिए, तो देखिए दोस्तों इसके बाद भी मैं एक से दो पार्ट आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है वही आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं अपने एक्सरसाइज के उनको लगाइए। ओके उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ जो लाइक की बटन पर प्रेस कीजिए। ओके तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का जो आप लोगों के साथ में जो क्लासमेट है तो उनको भी चीज़ें अभी पता चले कि जैसे आप लोग पढ़ रहे घर पे तो उनको भी घर पे पढ़ने का मौका मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।